बेटा, लास्ट टाइम हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस किया था। आज बेटा हम डिस्कस करते हैं, मशीन को हम डिस्कस करते हैं बेटा, कि मशीन हमारे साथ क्या होता है। व्हाट इज मशीन? मशीन हमारे साथ बेटा, वी कैन सी, हर उस चीज को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या हो, शाबाश, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन हो। हर वो चीज जिसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन हो, सच थिंग इज कॉल्ड मशीन। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी should be converted into electrical energy. This conversion is known as electromechanical conversion. ये मेरे साथ electromechanical conversion होती है। एक electrical machine हमारे साथ दो तरह के होता है। One is called AC and the second one is called DC बेटा। AC machine is divided into two types. One is called alternator and the second one is called, we can say beta, that is AC motor. AC motor. And similarly, a DC machine is converted into, we can say, a DC machine is converted into, we can say, a DC motor, DC generator, and we can say DC motor. DC generator and DC motor. So, we can say, beta, we can say ki machine is divided into two types. One is called AC and the second one is called, we can say beta, DC beta. And we can say beta कि here is another thing. AC machine में हमारे साथ है ट्रांसफार्मर बेटा, ट्रांसफार्मर। लेकिन याद रखो, ट्रांसफार्मर में देर इज नो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन बेटा, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन, ईएमसी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन। लेकिन फिर भी हम ट्रांसफार्मर को क्या तस्वर करते हैं, ऐसे मशीन हम तस्वर करते हैं। सबसे पहले बेटा हम अल्टरनेटर के ऊपर बात करते हैं। अल्टरनेटर जिसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर हम इसको कहते हैं, एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। वो होता क्या है बेटा, कि जो एसी जनरेटर होता है, यू नो वेरी वेल, इसके सर्किट्स जो इक्वेशंस ऑफ ईएमएफ हैं, वो मेरे साथ बराबर होता है बेटा कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द चेंज इन ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द चेंज इन फ्लक्स। साथ में क्या कहने के लिए, तो आप इसको बी ए को बाहर निकाल दो, एन ए बी ए एन ए बी बिल्कुल, एंड डिल बाय डिल टी एंड वी कैन से कॉस ऑफ थीटा। अब बेटा इस पे आप लोगों ने रट्टा लगाना है। ये बराबर होते हैं माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। तो ये मेरे साथ ऐसे बन गया, एन ए बी यानी नेम, और साथ में क्या है, शाबाश, वी कैन से ओमेगा, एंड हमारे साथ होगा साइन इंटू थीटा, ये इसके बराबर है। तो हमारे साथ ईएमएफ का इक्वेशन क्या आएगा, ईएमएफ का इक्वेशन हमारे साथ आएगा, दैट इज वी कैन से एन ए डब्ल्यू बी एंड साइन थीटा, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन बेटा। ये ईएमएफ
कभी मैक्सिमम होगा कभी मिनिमम होगा, डिपेंड अपॉन द एंगल. इफ थीटा इज इक्वल टू वी कैन सी 0 degree, सो ईमेप हमारे साथ होगा इन ए डब्ल्यू बी के बराबर होगा. एंड सिमिलरली वी कैन सी बेटा कि इसको फिर हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा. दिस इज द ईमेप इक्वेशन बेटा. ये किसी अल्टरनेटर जो होता है या एसी जो जनरेटर होता है, इसके ईमेप इक्वेशन ये है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा. दिस इज वी कैन सी द ईमेप इक्वेशन बेटा. इस इक्वेशन को अगर आप देखें, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हो, सो दिस इज 90 degree, दिस इज इक्वल टू वी कैन सी 180 degree, दिस इज इक्वल टू वी कैन सी 270, एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन सी 360 degree. तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड 180 ये मेरे साथ इस तरह आएगा, 270 एंड 360 ये मेरे साथ इस तरह जाएगा. ये इसका इक्वेशन है. This is we can say the graph of we can say alternator beta. इस तरह से बेटा alternator के जो current होते हैं, V divided by R is equal to क्या होगा, V naught divided by R, and साथ में क्या होगा शाबाश sin theta होगा. So this is I is equal to I naught, and मेरे साथ क्या होगा शाबाश sin theta. This is the formula of current beta. This is the formula of current. ये current का ये formula होगा. इस तरह से बेटा एक फॉर्मूला हमारे साथ ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला करंट का ये आ गया. अगर हम चार्ज को निकालना चाहते हो तो ये मेरे साथ क्या होगा, डेल क्यू बाय डेल टी होता है, एंड दैट इज इक्वल टू आई नॉट एंड साइन थीटा होगा. सो हम इसको ऐसा लिख सके कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू वी कैन सी टी इंटू वी कैन सी साइन थीटा. दिस इज द चार्ज विच इज इंड्यूस बेटा. So, किसी जनरेटर के वोल्टेज का फार्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा बेटा. ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है. या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा की जगह लगाओ ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा पर यूनिट टाइम. सो ओमेगा टी या V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा की जगह लगाओ 2πf into we can say t. This is formula number 2, this is formula number 3, or we can say V is equal to V naught sine 2 phi divided by we can say capital T into small t. This is formula number 4. ये चार फॉर्मूले हमारे साथ आ गए, these four formulas. ये मेरे साथ चार फॉर्मूले निकल आ गए. So इसको आपने याद रखना है, इसको हम चैप्टर नंबर 15 में इंशाल्लाह पर इस्तेमाल करेंगे. ये मेरे साथ क्या है, अल्टरनेटर है. लेकिन बेटा अगर आप अल्टरनेटर या एसी जनरेटर को देखें, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे हमारे साथ एक साउथ पोल होता है, और यहाँ पे हमारे साथ एक क्वाइल्स होते हैं बेटा. ये मेरे साथ क्वाइल है बेटा. सो अगर आप देखें बेटा, यहाँ पे क्वाइल इस एक्सिस के इर्द गिर्द क्या होता है शाबाश वी कैन सी रिवॉल्व करता है. वो इस क्वाइल को इस एक्सिस के इर्द गिर्द हम घुमाते हैं बेटा. तो जब हम कॉयल को इसके इर्द गिर्द घुमाते हैं, तो यहां पे फॉर एग्जांपल इसको मैं यू घुमाता हूं कि ये बाहर की तरफ आता है, तो ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा. तो बेटा इस कंडक्टर में, कंडक्टर ए बी में सी डी, यहां से करंट राइट हैंड रूल के मुताबिक ऐसे जाएगा और यहां से निकल जाएगा. यहां से जब करंट निकल जाएगा, यहां पर हमारे साथ क्या होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं, और यहां से भी कैसे मेरे साथ क्या होगा शाबाश स्प्रिंग होते हैं. यहां से एक स्प्रिंग, यहां पे एक और कार्बन ब्रश हम लगाते हैं इस तरह से, और यहां पे स्प्रिंग होगा और यहां पे मेरे साथ लोड होगा. ये क्या है शाबाश वी कैन से लोड, ये ऐसा होगा. सो वी कैन से बेटा कि यहां पे करंट इधर से आकर इस तरह से क्या हो गया शाबाश पास हो गया 0 से लेकर 180 तक बेटा. ये ए भी है तो ये सीधे है. 180 के बाद अगर आप देखिए, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. अब ये वाला जो है बेटा, ये वाला, ये ए भी अभी इधर आया होगा. सो दिस इज ए बी, इसके साथ अपना छोटा सा रिंग कनेक्ट है, और इसके साथ तो बड़ा रिंग कनेक्ट था. ये तो परमानेंटली कनेक्ट होते हैं ऐसे,
और ये मेरे साथ इस तरह से कार्बन ब्रश, तो ये लोड यहाँ पे ऐसे। सो अब ये करंट चूंकि इसको दोबारा मैं किधर लेके आऊंगा, बाहर ही अंदर जाएगा, तो अब करंट इधर में से निकलकर छोटे में से और ये लोड में से करंट ऐसे पास हो गया। करंट इस डायरेक्शन में, फिर 180 के बाद करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ये जो जनरेटर होता है बेटा, इसका बेसिक प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। जनरेटर में कुछ लॉसेस आते हैं बेटा, द लॉसेस इन द जनरेटर इज इक्वल टू, वी कैन से दो किस्म के लॉसेस होते हैं। एक बेटा हम कहते हैं कॉपर लॉसेस, एक हमारे साथ होता है कोर लॉसेस, और एक हमारे साथ होती है मैकेनिकल लॉसेस बेटा। विच लॉसेस? मैकेनिकल लॉसेस बेटा। तीन किस्म के लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस हमारे साथ जहां पे किसी तार में से करंट गुजरता है तो इसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस होती है बेटा। अगर आप टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट बेटा। इस कोर लॉसेस दो किस्म के होते हैं, एक हमारे साथ होती है एडी करंट लॉसेस बेटा, एडी करंट लॉसेस। दूसरा हमारे साथ क्या होती है? हिस्टैरिसिस लॉसेस होती है, हिस्टैरिसिस लॉसेस। तो ये जनरेटर में होता है। मैकेनिकल लॉसेस ये मोशन की वजह से, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं जहां पे मोशन करते हैं। तो ये जनरेटर की हमारे साथ क्या है शाबाश वीकेंड से, तीन किस्म के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस, कोर लॉसेस, एंड ये किस और शाबाश मैकेनिकल लॉसेस हमारे साथ होते हैं बेटा। ये था हमारा बेटा जनरेटर। जनरेटर में लेकिन जनरेटर को अगर आप देखें बेटा, ये फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है एंड दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश साउथ पोल, और यहाँ पे हमारे साथ एक क्वाइल्स हैं। इस क्वाइल को मैंने सिंगल टर्न माना है ऐसे बेटा। इसको बेटा मैं बाहर की तरफ लेके आना चाहता हूँ, ये अंदर जाएगा क्रॉस। तो इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए करंट हमारे साथ ये जाएगा, ठीक है बेटा। अब यू समझ लीजिए बेटा कि ये जो डॉट है ये मेरी वजह से है बेटा, ये फ्रॉम वी कैन से ड्यू टू माइन, मेरी वजह से है, ये मेरी वजह से है क्योंकि इसको मैं बाहर लाना चाहता हूं। लेकिन हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है वी कैन से फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। आप यू समझ लीजिए बेटा कि एक कंडक्टर तो समझ लीजिए जिसमें करंट ऐसे जाते हैं बेटा, जिसमें करंट ऐसे जाते हैं, सो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इस पे एक फोर्स लगेगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ लगेगा। तो अंदर से गवर्नर के फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मींस बेटा कि फोर्स का लगना किसकी प्रॉपर्टी है? ये मोटर की प्रॉपर्टी है बेटा, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मोटर की। क्योंकि मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। और बेटा जनरेटर क्या करेगा? वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल और मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। दिस मींस बेटा कि ये असल में था जनरेटर, लेकिन इसमें असर किसका आ रहा है? मोटर का असर आ रहा है। था तो जनरेटर, लेकिन इसमें असर किसका आ रहा है? मोटर का असर आ रहा है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज बेक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर बेटा, बैक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर। कि ये असल में था तो जनरेटर, लेकिन इसमें असर किसका आ रहा है? असर आ रहा है जनाब किसका? शाबाश मोटर का। और बेटा यही वजह है कि अंदर जो बिजली पैदा हो गया वो बराबर होगी टर्मिनल वोल्टेज प्लस द इंटरनल वी कैन से ड्रॉप बेट। ये समझ में बात आ रही है? जनरेटर के अंदर जो बिजली पैदा होगी वो होगी ज्यादा, लेकिन टर्मिनल पर आकर वो क्या होगी? शाबाश वीकेंड से कम। क्यों? क्योंकि अंदर क्या होगा? शाबाश वीकेंड से कुछ ना कुछ बैक ईएमएफ होगा, अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? ड्रॉप होगा। सो वी कैन से बेटा दिस इफेक्ट इज नोन एज बैक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर बेटा, बैक मोटर इफेक्ट इन अ जनरेटर। इसी तरह से बेटा मोटर में असर आएगा जनरेटर का बेटा। सो दोनों में जो बजाते खुद मोटर होगा इसमें असर आएगा जनरेटर, और जो जनरेटर होगा इसमें असर आएगा किसका? मोटर का। दैट इज कॉल्ड बैक जनरेटर इफेक्ट इन मोटर। सो मोटर में असर आएगा जनरेटर का, और जनरेटर में असर आएगा किसका? वी कैन से मोटर का बेटा। ये था हमारे बेटे जनरेटर। जनरेटर के साथ आज तक इतने कभी इससे इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आए हैं। अलबत्त ये एमसीक्यूज आते हैं कि वी नॉट इज इक्वल टू वी कैन से साइन थीटा है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से साइन थीटा।
या फिर हम इसको ऐसे लिखते कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन ई डब्ल्यू बी नवाब एंड वी कैन सी व्हाट्स आवर साइन थीटा। सो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि इसमें से किसी भी चीज को डबल किया है, नंबर ऑफ टर्न एरिया या ओमेगा या बी को डबल किया है, व्हाट विल हैपन टू द वेकेंसी व्हाट शाबास दैट इज इक्वल टू द ईमैप बेटा। इसके बाद बेटा हमारे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो हमारा है बेटा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेटा निकला है ट्रांसफर ऑफ डैश शाबास ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज आर करंट वी कैन से व्हाट शाबास करंट। हमने क्या करना है शाबास, हमने ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर करना है, या वोल्टेज को हम ट्रांसफर करना है, या हमने किसको ट्रांसफर करना है, करंट को हमने ट्रांसफर करना है। सो वी कैन से बेटा कि ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज आर करंट, ट्रांसफार्मर से मुराद है ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज एंड करंट। या देखो ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नॉट चेंज, यानी ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह से बेटा ट्रांसफार्मर पावर को भी नॉट चेंज, यानी ये पावर को भी चेंज नहीं करेगा। सो ट्रांसफार्मर दो चीजें चेंज कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, या किसको चेंज करेगा शाबाश वी कैन से पावर को, सॉरी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करेगा या करंट को, ये फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है बेटा कि ट्रांसफार्मर वी कैन से डज नॉट वर्क, वी कैन से व्हाट शाबाश डज नॉट वर्क ऑन वी कैन से व्हाट शाबाश डीसी, ये डीसी के ऊपर काम भी नहीं करता है, ट्रांसफार्मर डीसी के ऊपर काम नहीं करता है वो। फॉर एग्जाम्पल एंड दैट इज द रीजन की गवर्नमेंट डीसी बिजली बनाते भी नहीं है, क्योंकि इसके पर हमारे साथ ट्रांसमिशन इसकी बहुत मुश्किल होती है, इसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। सो यहां से अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, यहां से ये क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट बनाएगा, इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट फॉर पावर डीसी। यहां से फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इस साइड पे कितना होगा शाबाश, ईएमएफ शुड बी इक्वल टू वेकेंसी जीरो, देयर विल बी नो ईएमएफ आएगा। सो ट्रांसफार्मर अगर आप देखिए बेटा ट्रांसफार्मर की जो सिंबल है वो हमारे साथ ये है कि एक प्राइमरी कॉइल होता है, इसमें एक आयरन कोर होता है और ये इसमें क्या होते हैं सेकेंडरी वायर, एंड दिस इज कॉल्ड सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बेटा, विच फेज सिंगल फेज। इसी तरह से हमारे साथ ये ट्रांसफार्मर है, दिस इज कॉल्ड वी कैन से थ्री फेज बेटा, दिस कॉल्ड ये पावर हाउस में इस्तेमाल होते हैं, पावर हाउस में ये मतलब तोरबेला हो गया या जो हमारा वर्सक डैम है, पावर हाउसेस में ये इस्तेमाल होते हैं, या इसको आप ग्रिड स्टेशन में भी इस्तेमाल करते हो, ग्रिड स्टेशन में, बल्कि आपके पूरे गांव का जो ट्रांसफार्मर है, पूरे महल्ले का जो ट्रांसफार्मर है वो भी कितना होता है, थ्री फेज होता है। तो हमारे कोर्स में चलो थ्री फेज नहीं है, हमारे कोर्स में सिंगल फेज है, हमारे कोर्स में जो ट्रांसफार्मर है वो सिंगल फेज का है, और सिंगल फेज में एक सर इंडिटिस में आया था कि पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट डैश, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, That is represent iron core बेटा। एक iron core हम क्यों लगाते हैं, ताकि mutual inductance की value क्या हो जाए, बढ़ जाए। So this is primary coil and this one is called what's called secondary coil. The number of turns here is NS. The number of turns here is we can say NP. And यहाँ पे we can say flux में change जाएगा, तो यहाँ पे क्या पैदा होगा, EMF पैदा होगा। EMF बेटा you know very well कि EMF we can say, या मैं ऐसे चलो लिखूंगा कि V of the primary divided by V of the secondary should must be equal to we can say n of the primary and we can say n of we can say the secondary. This means beta voltage or turns ke beech mein kaun sa relation hoga, voltage or turns ke beech mein direct relation hai. So in the case of transformer voltage which is produced at any side will be directly proportional to the number of turns, and the graph here is number of turns and this one is voltage, so the graph will be we can say straight line, the graph will be what shall be straight line. जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उतना मेरे साथ क्या होगा शाबाश, वोल्टेज उस साइड पे ज्यादा होगा। सो हम कहते बेटा कि n is divided by np will be equal to vs divided by we can say vp बेटा, vs divided by vp। सो केस नंबर वन, इफ n is greater than np, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड वी कैन से वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या सिंपल अप स्टेप अप कहते हो, वोल्टेज स्टेप अप वी कैन से अप दैट इज कॉल्ड वोल्टेज स्टेप अप। एंड अगर बेटा
एन एस इज लेस देन एन पी है, तो दैट इज कॉल्ड वी कैन से वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज स्टेप डाउन। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे साथ बेटा ट्रांसफार्मर में एक बात है, ट्रांसफार्मर ने पावर को क्या रखना है, उसने पावर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है कांस्टेंट। तो वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, शाबाश वी कैन से कांस्टेंट होगा, वी आई इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। दिस मींस कि वोल्टेज और करंट के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज स्टेप अप करता है, तो ये पर करंट क्या होगा, शाबाश स्टेप डाउन होगा, करंट और स्टेप डाउन। जो वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो करंट क्या होगा, स्टेप डाउन, और जो वोल्टेज स्टेप डाउन है वो करंट क्या होगा, शाबाश करंट और स्टेप अप, करंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ में बात आ रही है बेटा, क्लियर है? सो वी कैन से कि ये करंट क्या होगा, शाबाश वी कैन से स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो इन कंक्लूजन वी कैन से कि Vs इज इक्वल टू क्या होगा, Vp, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, शाबाश Ip डिवाइडेड बाय क्या होगा, Is, करंट के लिए, और व्हिच इज इक्वल टू Ns डिवाइडेड बाय क्या होगा, शाबाश वी कैन से Nv होगा बेटा, S। समझ में बात आ रही है? सो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो वो करंट को क्या करता है, कम रखता है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होते हैं, Vi होता है, तो इसने इसको बढ़ा दिया तो करंट को ये क्या करेगा, शाबाश वी कैन से डिक्रीज करेगा ये, ताकि पावर क्या रहे, शाबाश कांस्टेंट रहे बेटा। सो फॉर एग्जांपल बेटा, अगर एन एस डिवाइडेड बाई एन पी हमारे साथ क्या है, शाबाश दिस इज वी कैन से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1/3 है, तो फिर जरा मुझे बताइए शाबाश इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, यहाँ पे हम इसे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, वो ये है कि एन पी इज इक्वल टू 3 NS, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी इज ग्रेटर, तो फिर वीपी क्या होगा, शाबाश वीपी इज ग्रेटर देन वीएस होगा। तो जिस साइड पे वोल्टेज ज्यादा है उस साइड पे करंट क्या होगा, कम होगा, तो आईपी इज लेस देन आईएस होगा। एंड सच ट्रांसफार्मर इज नोन एज वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इज कॉल्ड वोल्टेज स्टेप वी कैन से डाउन, वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में बात आ रही है? तो एफ एन एस इज इक्वल टू 1:3, दिस मीन दिस इज वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड करंट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन हम सारी की सारी बातें किसके बेस पे करेंगे, शाबाश वोल्टेज स्टेप डाउन के बेस पे करेंगे। इसी तरह से बेटा अगर आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू 5 है, दिस मीन्स IP is equal to 5 IS, तो कौन सा करंट ज्यादा है, प्राइमरी करंट ज्यादा है, प्राइमरी करंट क्या है, ज्यादा है। प्राइमरी करंट अगर ज्यादा है तो प्राइमरी वोल्टेज विल बी लेस देन द सेकेंडरी वोल्टेज, दिस मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज एंड दैट इज वी कैन से वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर या सिंपल अप स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया गया। ये जो ट्रांसफार्मर हमारे साथ होता है बेटा, ये मेरे साथ नॉन ओहमिक सब्सटेंस है बेटा, नॉन ओहमिक सब्सटेंस है, यानी ये ओहम लॉ को फॉलो नहीं करेगा बेटा। तीसरी बात ये है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जहां पे एन एस इज इक्वल टू एन पी के बराबर होता है, वो 1:1 होता है, तो फिर ऐसे ट्रांसफार्मर ना तो स्टेप अप होगा, ना मेरे साथ क्या होगा, शाबाश वी कैन सी स्टेप डाउन होगा बेटा। क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर बेटा, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारे साथ बेटा, चूंकि ये मेरे साथ एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है बेटा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है यानी ये हरकत नहीं करता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। जो चीज हरकत नहीं करता है इसमें मैकेनिकल लॉसेस कितने होते हैं, शाबाश मैकेनिकल लॉसेस विल बी इक्वल टू व्हाट, शाबाश जीरो। यानी ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। इस तरह ट्रांसफार्मर में हमारे साथ और लॉसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कोर लॉसेस, और हमारे साथ कोर लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक हमारे साथ होते हैं एडी करंट लॉसेस और दूसरा हमारे साथ होते हैं हिस्टैरिसिस लॉसेस।
हिस्टेरेसिस लॉसेस। इस तरह से हमारे साथ ट्रांसफार्मर में एक और किस्म के लॉसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कोर लॉसेस के साथ साथ कॉपर लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर में चूंकि क्वाइल होते हैं तो उसमें कॉपर लॉसेस हमारे साथ होते हैं, कॉपर लॉसेस। और कॉपर लॉसेस क्या होते हैं शाबाश, आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं। ये ट्रांसफार्मर में कोई मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जनरेटर के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई वीकेंसी मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। बेटे जो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर है, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ तुरबेला है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं दे रहे बेटा? रेज योर हैंड शाबाश। ओके, ये फॉर एग्जांपल तुरबेला है, तुरबेला में यहां पे वीकेंसी डिनमो है या जनरेटर है बेटा, इसके ऊपर इस तरह टर्बाइन्स के ऊपर यहां से दूर से पानी गिर गया, इसने बिजली पैदा किया बेटा। यहाँ पे थ्री फेज बिजली पैदा हो गई बेटा, थ्री फेज। यूजुअली ये 13 kV का होता है और इसका करंट तकरीबन मैं कह दो चलो 400 या 500 एम्पीयर तसव्वुर करो, समझ में बात आ रही है। बिजली की इस स्टेज को हम कहते हैं जनरेशन बेटा, बिजली की इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जनरेशन। ये जनरेशन हो गया। बिजली का स्टेप, तीन स्टेप होते हैं। एक हमारे साथ होते हैं जनरेशन, दूसरा हमारे साथ होते हैं ट्रांसमिशन बेटा, कौन सा होता है, ट्रांसमिशन। तीसरा हमारे साथ होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ये तीन स्टेप होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन स्टेप होता है। अब मसले ये है कि ये मेरे साथ है तुरबेला जो कि सवाबी में है, इसको हमने यहां तक पिशौर तक क्या करना है शाबाश, वीकेंसी ट्रांसमिट करना है बेटा बिजली को, ये ट्रांसमिशन है। इसके बीच में बहुत ज्यादा फासला है, तो अगर आप इस वोल्टेज को 13 kV और इस करंट को ट्रांसमिट करना चाहते हो, आप डायरेक्ट थारे लेके आएंगे, तो हमारे साथ एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस बेटा। यहां पे करंट बहुत ज्यादा है तो सारा का सारा जो पावर है वो रास्ते में क्या हो जाएगा, जाया हो जाएगा। फिर हम करते ये है कि हम यहां से एक ट्रांसफार्मर का सहारा लेते हैं, टी एक्स मतलब ट्रांसफार्मर। ये तीन तारे यहां पे आकर इसको हम स्टेप अप करते हैं, पता है बेटा आपको, इसको हम तकरीबन 220 kV तक स्टेप अप करते हैं, 13 kV से 220 पे चली गई बात। तो बेटा ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो वो करंट को बहुत कम करेगा, ये तकरीबन 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर तक लेके आएगा, बल्कि इससे भी कम। सो वी कैन से कि ट्रांसफार्मर ये काम करते कि इसने वोल्टेज को 220 किया। अब यहां से बेटा तीन तारे निकलना स्टार्ट हो जाती है ऐसे बेटा, आपने देखे होंगे ये बड़े बड़े टावर्स मोटरवे के ऊपर आपने देखे होंगे इस तरह बड़े बड़े टावर्स, ऐसे ऐसे यहां से बड़े बड़े टावर्स ऐसे, ये थारे इसके ऊपर ऐसे जाती है, ये थार ऐसे जाती है बेटा। ये थारे अब इसमें वोल्टेज तो बहुत ज्यादा है 220 केवी है, लेकिन करंट इसमें बहुत कम है। ये थारे जब इधर आकर इधर हमारा जो मैन ग्रिड स्टेशन है बेटा, मैन ग्रिड स्टेशन है शेख मोहम्मदी के नाम से मशहूर है पिशावर में, ये तमाम ग्रिड स्टेशनों को फिर सप्लाई करता है, ये बिजली इधर आती है 220 केवी। शेख मोहम्मदी ग्रिड स्टेशन फिर ये पिशावर का हयात आबाद है फॉर एग्जाम्पल, हयात आबाद है, ये हयात आबाद फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद को ये जनाब देता है 132 kV बेटा, कितना 132 kV बेटा। इस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन बेटा। बाद जाए इलाके छोटे छोटे होते हैं, इसको कितना देता है 66 kV देता है, कितना देता है 66 kV। ये फिर अपने इलाके में अपना ग्रे स्टेशन है, जिस तरह हैदराबाद में अपना ग्रे स्टेशन है, लेकिन जो पिशावर का जो मैन ग्रे स्टेशन है वो शेख मोहम्मदी है। ये थार इधर आकर ये हैदराबाद के ग्रिड स्टेशन में गया, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रांसमिशन बेटा। विच ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन बेटा। इसके ऊपर से भी एक तार जाता है, वो थंडर स्ट्रोक के लिए है, अगर यहां से आसमानी बिजली गिर जाए तो वो पहले किसको जाएगा, इसको हमने अर्थ किया होता है बेटा, जमीन की तरफ गया है, तो ऊपर तार आपने देखा होगा। यहां से फिर हैदराबाद से 11 kV फीडर्स निकलते हैं बेटा, कितने 11 kV फीडर्स निकलते हैं, वो छोटे छोटे इस तरह होते हैं,
समझ में, हर इलाके का अपने फीडर्स होते हैं। सो फिर ये आकर, ये थारे आकर यहां पे हमारी गौ का ट्रांसफार्मर है, ये हमारे गौ का ट्रांसफार्मर है, ऐसे ये हमारे गौ का जो विलेज है इसका ट्रांसफार्मर। इधर से फिर चार तारे निकलती हैं, एक न्यूट्रल होता है, ये भी गर्म होता है L1, ये L2 होता है, ये क्या होता है L3 होता है। यीस्ट के बाद जो बिजली पैदा होती है, दिस इज कॉल्ड विच डिस्ट्रीब्यूशन, शाबाश, वी कैन से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। और फिर इससे जब निकलते हैं, ये जो तारे निकलती हैं, इसको फिर हम कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, एंड फाइनली हमारे घरों को आती है। सो बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, शेख मोहम्मद ये ग्रह स्टेशन में 220 केवी से बिजली कम होकर कितने पे आ गया, 66 केवी पर, यानी हमने करंट को अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि हमें करंट की जरूरत है। फिर हमारे गांव में आकर 11 केवी से कितने पे आते हैं, 220 वोल्ट पे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो यहाँ पे हम करंट को और भी बहुत बढ़ाते हैं, फिर हमें लॉसेस की जरूरत नहीं है, हम लॉसेस की फिक्र नहीं करते। दिस मीन्स बेटा कि बिजली जब आप बनाते हो, बिजली जिस वक्त आप बनाते हो, आप बना तो सकेंगे लेकिन इसकी ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा आप जरा मुझे बताइए, एक साल एंटिटी में क्वेश्चन आया था, ये पूरा फलसफा मैंने आपको इसलिए किया कि पावर जो हमारे साथ होता है, पावर हमारे साथ बराबर होते वोल्टेज एंड करंट पे, या तो तुमने दोनों को क्या रखना है, हाई रखना है, ये बहुत हाई रखना है, बहुत हाई, या तो तुम किसको रखो, शाबाश वीकेंड से हाई रखो, किसको रखो, करंट को रखो बेटा, करंट को रखो, या तो तुम हाई रखो किसको, शाबाश वीकेंड से वोल्टेज को रखो, क्या रखो, वोल्टेज को रखो, और या वीकेंड से लो रखो, क्या, शाबाश, करंट को बेटा, क्या रखो, शाबाश। तो पावर को हम किस तरह ट्रांसमिट करेंगे, याद रखो पावर को हम इन दो बातों पर ट्रांसमिट करेंगे, पावर हमेशा हाई वोल्टेज और लो करंट पे क्या करेंगे, शाबाश बेटा, हमने क्या करना है, ट्रांसमिट करना है पावर को हमेशा, पावर शुड ऑलवेज बी वी कैन से ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड एट लो करंट पे। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा, रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। हेलो,